नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। आजादी की लड़ाई का इतिहास क्रांतिकारियों के साहसिक कारनामों से भरा पड़ा हुआ है, और ऐसे ही एक वीर सेनानी थे लाला लाजपत राय, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। लाला लाजपत राय की आज पुण्यतिथि है। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इनकी याद में आज यानी कि 17 नवंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाला लाजपत राय का नाम उन महान क्रांतिकारियों में शामिल है जिन्होंने इस राष्ट्र की स्वाधीनता के यज्ञ में अपने रक्त की अंतिम बूंद को आहुति स्वरूप समर्पित कर दिया। 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में लाला राधा कृष्ण अग्रवाल के घर में जन्मे लाला जी की रुचि बचपन से ही लेखन और भाषण में अधिक थी। आगे चलकर इन्होंने इसी लिखने बोलने वाले पेशे के तौर पर वकालत को चुना और 1880 में लाहौर के राजकीय कॉलेज में कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। यहाँ रहते हुए अपने आर्य समाज के आंदोलन में हिस्सा लिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्होंने जगराव, रोहतक और हिसार में वकालत शुरू की, और इसी दौरान कांग्रेस की बैठकों में जाने का सिलसिला भी इन्होंने शुरू किया। आगे चलकर लाला जी कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए थे। लाला लाजपत राय के व्यक्तित्व को विशेष पहचान सन 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान मिली। ये वो दौर था जब लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल की तिकड़ी ने ब्रिटिश शासन की नाक में दम कर दिया था। इस तिकड़ी ने स्वतंत्रता समर में वो नए प्रयोग किए जो उस समय में अपने आप में नायाब थे। लाल बाल पाल के नेतृत्व को पूरे देश में भारी जन समर्थन मिला था, जिसने अंग्रेजों की रातों की नींद हराम कर दी थी। अक्टूबर 1917 में लाल जी ने अमेरिका पहुंचकर वहां के न्यूयॉर्क शहर में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नाम से एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से लाला जी ने देश से बाहर रहकर भी देश की स्वाधीनता की चिंगारी को लगातार हवा देने का काम करते रहे। जब 20 जनवरी 1920 को लाला जी भारत लौटे तो उस वक्त तक वो देशवासियों के लिए एक महान नायक बन चुके थे। लाला लाजपत राय एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज उठाई, आजीवन ब्रिटिश राज शक्ति का सामना करते हुए अपने प्राणों की परवाह न करने वाले लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी इसीलिए कहा गया। और इसी याद में आज यानी कि 17 अक्टूबर को बलिदान दिवस के रूप में इनकी याद में मनाया जाता है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।